निर्भया रेप केस के दोषियों को पटियाला कोर्ट ने 22 जनवरी को फांसी की तारीख तय की थी, जिस पर दो दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की थी, जिसे 5 जजों वाली पीठ ने खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण ने की। कोर्ट ने चारों दोषियों को फांसी देने के लिए 22 जनवरी की सुबह 7 बजे का समय भी तय कर दिया है। डेथ वारंट जारी होने के बाद दोषियों के चेहरे पर मौत का खौफ साफ नजर आ रहा है। खौफ का ये आलम रहा कि मंगलवार को दोषियों ने खाना भी नहीं खाया। रात भर चारों दोषी अपनी सेल में टहलते रहे तो कभी करवटे बदलते दिखे। खबरों के मुताबिक सजा से बचने की उम्मीद लगाए बैठे चारों दोषियों ने पिछले 2 दिनों से आपस में बात तक नहीं की है। दरअसल निर्भया के चारों दोषियों में से 3 दोषी अक्षय, पवन और मुकेश जेल नंबर 2 में बंद है, जबकि विनय शर्मा को जेल नंबर 3 में बंद किया गया है। चारों दोषियों को अलग अलग सेल में रखा गया है और हर दिन उनके सेल की तलाशी ली जाती है। तिहाड़ जेल सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को जब अदालत ने चारों को डेथ वारंट जारी किया तो चारों दोषी परेशान हो गए। पवन और अक्षय ने तो खाना भी नहीं खाया, हालांकि बुधवार को चारों दोषियों ने थोड़ा नाश्ता किया। सूत्रों के मुताबिक बुधवार सुबह करीब 10 बजे चारों दोषियों को जेल के अस्पताल में जांच के लिए लाया गया, जहां पर उनका मेडिकल हुआ। इस दौरान भी चारों ने आपस में कोई बात नहीं की। इसके बाद उन्हें वापस सेल में बंद कर दिया गया। बताया जा रहा है कि चारों दोषियों की 22 फरवरी तक प्रतिदिन जाँच करवाई जाएगी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।